मेरे गीतों की इस श्रृंखला को सुनने वाले सभी संगीत प्रेमी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर महिला गायिकाएं एक फिल्म में एक महिला के लिए ही गाना गाती थीं, लेकिन जिस गीत पर आज हम चर्चा करेंगे उसे शमशाद बेगम ने एक पुरुष के लिए गाया था। तो चलिए उस गीत की ओर चलते हैं। शमशाद बेगम की आवाजों पर अभिनय करते दिख रहे पुरुष शम्मी कपूर जी हैं, जिन्होंने शमशाद बेगम की आवाज में अपने अभिनय से इस गीत को अमर कर दिया। तुकबंदी में शम्मी कपूर जी की बातों का जवाब दे रही खूबसूरत बाला सायरा बानो जी हैं, जिन्होंने अपने स्त्रीत्व से भरे इशारों से गीत में सौंदर्य की महक बिखेर दी है। सन 1963 में आई ब्लॉक मास्टर फिल्म के इस गीत को राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा था और मनमोहन देसाई जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। सायरा बानो जी के लिए आवाजें उषा मंगेशकर जी ने दी थी। अगर मचलेगा ये दिल तो हमें समझाना आता है, केस भूले हुए को राह पर भी जाना आता है। यह गीत उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र शम्मी कपूर जी थे। उनकी भाव भंगिमाओं के कारण ही आज भी यह गीत मरा नहीं है, बल्कि अपनी ताजगी का एहसास कराता है। लगाने को खेल कहते हो, किस चाह में हुजूर रहते हो, इश्क की बात और होती है, दिल धड़कता है, आँख रोती है। श्रोताओं, एक ये दौर था जब कव्वालियाँ भी सिरमौर हुआ करती थीं, और आज ये दौर है जहाँ हर तरफ से संगीत की दुनिया को अश्लीलता का राहु ग्रस रहा है। समझते हो हमें क्या, हम नहीं हैं रोने वालों में, किसी से प्यार करके हम जो हैं खुश होने वालों में। ओए जली जली कलियों की किस्मत जली के लगती है भवरों की सूरत भली। श्रोताओं, यदि आपको शमशाद बेगम की आवाजों में यह गीत व हमारी प्रस्तुति दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आप इस गीत को लेकर क्या विचार रखते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।